देवेंद्र जी आपने इतनी सारी जो डिटेल बताई मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने अपने मुख्यमंत्री काल की भी बात की जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने एक तरीके से ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का एक नारा भी दिया था और यह भी कहा था कि होगा बीच में फिर एक गैप आया आपको क्या लगता है कि उस सपने को साकार करने की दिशा में कितना बढ़े आप देखिए इस साल हम लोग हाफ ट्रिलियन मार्क को पार कर देंगे और ये तो आपने बात सही कही कि बीच का ढाई साल जो था कुछ कोविड के कारण और कुछ सरकार की अकर्मण्यता के कारण हम टारगेट से थोड़े पीछे हटे हमने वापिस एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी तैयार की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रा जी उनको हमने उसका चेयरमैन किया अलग अलग सेक्टर के लोग उसमें लिए इस इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रिपोर्ट तैयार किया है देखिए हम लोग अभी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़े और बहुत विशेष प्रयास नहीं भी किया तब भी हम लोग 2031 या 32 में ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेंगे हम चाहते हैं 2028 में बनना और उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे अभी इस कमेटी ने किस प्रकार से निवेश किया जाना चाहिए कौन से सेक्टर में किया जाना चाहिए कौन से इमर्जिंग सेक्टर्स को हमने अट्रैक्ट करना चाहिए सोशल सेक्टर में कितना निवेश होना चाहिए ऐसे एक मैप तैयार किया है आने वाले दिनों में इस रोड मैप पर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर चले जाएंगे